आज 22 दिसंबर है और -31 टेम्परेचर है फिलहाल। मैंने चश्मा पहनना शुरू कर दिया क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि कैसे बिना चश्मे हम निकले थे तो पूरा स्नो हो गया था आँखों पे। तो अभी आपको दिखाते हैं, एक्चुअली हम लोगों का जो ट्रिप है, हम लोग क्रिसमस से एक ट्रिप पे जा रहे हैं, बैंफ नेशनल पार्क है वहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर एल्बर्टा ही नहीं, वो पूरे कनाडा की सबसे फेमस और बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। तो अभी हम लोग उसी का एक्चुअली उसमें जाने के लिए एक पास लेना होता है, नेशनल पार्क पास। तो वो अभी हम लोगों ने लिया हुआ है, तो उसका प्रिंट आउट निकालना होगा। भाई अपना ट्रिप जो है अब शुरू हो रहा है और टाइम हो रहा है 7:50 हुआ है सुबह का। हम लोग बस अभी निकल रहे हैं, सबसे पहले जाएंगे बस पकड़ के पहले जाएंगे अजहर के यहाँ, फिर वहाँ से जो हमने गाड़ी बुक की है वो उठाने जाएंगे। और करीब प्लानिंग तो यही है कि 9:30 तक हम यहाँ से निकल लेंगे। तो भैया रेडी सब लोग? हाँ जी रेडी, आ गई है बस। Both work the same, they're all numbered. Right. You have one, two, and then three. Okay. Oh, that's great. Okay. तो हमें अपनी ट्रिप की कार मिल गई है और 83278 किलोमीटर चली हुई है, डॉज की कारावान। थोड़ा जो है वो प्रीमियम कार वाला अब फील आ रहा है, अपनी कार की तो बहुत याद आती रहती है। चले चलो चलो, अब जाते हैं सीधे वापस अजहर के घर और सारा सामान और सबको उठा के निकलते हैं अपन माउंटेन्स की तरफ। सामान हमारा सारा रख दिया हमने। What's your name? Yes. What's your name? Arshin and Pooja. Yeah. We are going where? Calgary and Banff, and we are ready for the trip. We are just waiting for Azhar now, and our Dodge is also ready. Go to the back. Yeah. So, हम 6 लोग अब ready हैं trip के लिए। ठंड -30, -32 के आसपास टेम्परेचर है अभी। हम लोग यहाँ एडमंटन में ही हैं और यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे सबसे पहले कैलगरी। हमारा पहला होटल जो बुक हुआ है कैलगरी में, अभी 9:30 के आसपास, 9:30-10 बज रहा होगा, तो 4 घंटे करीब लगेगा कैलगरी पहुँचने के लिए। वाह भैया कहाँ जा रहे हैं? कैलगरी चलना भैया। हाँ भैया चलो फिर। कितने देर में निकलोगे? बस अभी निकल जाएंगे दोस्त। फुल करने का तो इंतजार नहीं करोगे? नहीं। बात ठीक है, याद आते हैं। गायब हो गया था।
लोग अब कैलगरी आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 1:20, करीब वही 3.5 घंटे के आसपास हम लोग लगा है। अब यहाँ से सीधा जाएंगे, पहले चेक इन करेंगे अपने एयरबीएनबी में, उसके बाद निकलेंगे कैलगरी देखने के लिए। एकदम लोग जाके अंदर रुकते हैं वैसे। तो हम लोग अपने एयरबीएनबी में आ गए, ये रहा हमारा रूम, पासवर्ड डाल के फिर सीधा अंदर। सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं, ये हो गया एक स्टोरेज, लॉन्ड्री, एक बेडरूम यहाँ पर है, एक ये कॉमन एरिया है मोनिश का बेडरूम। ये सबका कॉमन एरिया है तो सबका बेडरूम है ना। हाँ, एक बेडरूम यहाँ पर है और ये सब बालकनी वगैरह है। ये सोफा कम बेड है, ये बेड बन जाएगा, फुल बेड है। कुछ बोलना चाहते हो? नहीं नहीं। ये सारी चीजें यहाँ अवेलेबल हैं। शुगर है, सब है। यहाँ पर एक्चुअली ऐसा होता है कि जब एयरबीएनबी से इसको बुक करते हैं तो ऐसा सच यहाँ पर कोई फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहता है आपको हेल्प करने के लिए, एंटर करने के लिए। तो एयरबीएनबी में ही आपको सारी इंस्ट्रक्शन की गेट का कोड क्या है, मेन डोर का गेट का कोड क्या है और वाईफाई का आईडी पासवर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें एयरबीएनबी पर ही आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर बस आपको आना होता है, सेल्फ वाला ही रहता है, कोई आपको ऐसे मिलता नहीं है हेल्प करने के लिए। और सर्विस अपार्टमेंट में जैसी फैसिलिटीज होती है वो सारी की सारी इसमें मिल जाती है। तो बस आप अगर अपना मैगी वगैरह सब ले आए हो तो यहाँ पर ऑयल वगैरह भी है और बर्तन वगैरह हैं, सब कुछ है, तो ऐसा कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। अब देखते हैं निकलेंगे थोड़ी देर में हम लोग कैलगरी घूमने के लिए, लेट्स सी। Yes. Yes, Arshin. So tell me, how's your room? Do you like it? Yeah, it's good and it's quite big. Yes. Wow. And what snacks you got for yourself? Cookies and chips. Chips, okay. She told me that she'll share her swimming costume with me because I forgot to bring for myself. Yes. Yes? Yes. And yes. So it's recorded now. Yes. Yeah. ओके, डील डील। बॉटल तो मैंने रख ली है, बंद कर, लॉक का बटन दबा देना। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? We are going now Calgary Tower. Yes, this is my second time. Okay, so how is it? It will be good. Good. So let's go. कैलगरी टावर में आ गए, ये देखो पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी हम पीछे गेट है उसी में अंदर जा रहे हैं, देखते हैं कैसा रहता है। Thank you.
कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है भाई, देखो एक बार जरा जमीन पे ब्लू कार, अगर गलती से अभी हिल तो नहीं रहा है। तो हम लोग होके आ गए हैं यहाँ पर कैलगरी टावर में। बढ़िया एक्सपीरियंस था। $24 पर है ना, और हाँ विद टैक्स 25 ऐसे कुछ था। अब चलते हैं और देखते हैं क्या है आसपास अट्रैक्शंस, और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे डिनर और फिर निकलेंगे अपने होटल्स के लिए, और फिर कल चलेंगे मेन स्पॉट बैंड्स नेशनल पार्क। नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। नहीं, 1% बैटरी की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ।